शक्कर खिला शक्कर मिले टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है बदों को बदी देख ले। अगर तुझको ये विश्वास नहीं तो तू भी करके देख ले। शक्कर खिला शक्कर मिले टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है बदों को बदी देख ले। तो गुरुजी समझाया करते थे, बेटा सबसे भला चलो, अच्छा चलो, सबका कल्याण करो, सबका मंगल करो। शिष्य ने बोला कि गुरुदेव आप जो कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन कई बार हम समाज में ऐसा भी देखते हैं कि जो झूठ बोलते, बदमाशी करते, बेईमानी करते, धोखा देते, छल कपट करते और चलते पुरजे, वो तो खूब आगे बढ़ रहे और हम तो सच्चाई पे चलते, ईमानदारी पे चलते, सबका भला सोचते और सबकी मदद करते, हम तो घाटे में जा रहे हैं। और जो बदमाशी करते हैं, बेईमानी करते, वो तो खूब फल फूल रहे हैं और हमारे जैसों का तो कुछ हो नहीं रहा। गुरुजी ये कैसा न्याय है? गुरुजी ने कहा कि देखो, जो इस प्रकार उल्टी टेढ़ी चाल चलते हैं वो भले आतशबाजी के अनार की नाई एकदम उन्नत और चमकते दिखें, लेकिन आतशबाजी का अनार देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर 2-5 मिनट में उसकी क्या दशा होती है, ठीक उसी प्रकार ऐसे लोगों का तो सत्यानाश होता है, लेकिन जो सच्चाई ईमानदारी से भगवान का भजन करते हैं देर सवेर, वही फायदे में रहते हैं और उन्हें जो सुख शांति मिलती है, जो तसल्ली मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो झूठ कपट बेईमानी धोखा करने वालों को वो आनंद जीवन का नहीं मिलता। आप खाने में वो मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है, जिंदगी है 4 दिन की, किसी के काम आना सीख। तो ये है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम इतिहास पुराणानि व्यासस्य वचनम द्वयम्। कि 18 पुराण में शास्त्रों में अगर कोई सार बात, जैसे दूध का सार घी या मक्खन होता है, ठीक उसी प्रकार इन शास्त्रों का सार क्या है कि पापाय परपीडनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, कि दूसरे का हित करना, पर उपकार करना, ये तो पुण्य का काम है, और दूसरे को पीड़ा देना, नुकसान करना, अरे क्या पता चलता है खसखस में थोड़ी सी रेती डाल देते हैं, वजन बढ़ जाएगा, 2 रुपया ज्यादा मिल जाएगा, अरे कौन देखता है लाल मिर्ची में ईंट का बुरादा डाल देते हैं, कौन देखता है, वजन बढ़ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, सरसों के तेल में मोबी ऑयल डाल देते हैं, खसखस में रेता डाल देते हैं, और लाल मिर्च में ईंटों का पाउडर डाल देते हैं, ये तुम करते हो ठीक है, लेकिन वो अंतरात्मा देखता है, उसका फल भी तुमको भुगतना पड़ेगा भाई। जिस परमात्मा को तुम मंदिर में समझते हो, जिस परमात्मा को तुम आकाश पाताल में समझते हो, गोलोक विष्णु लोक ब्रह्मलोक में समझते हो, ये मत भूलना वो तो हर दिल की धड़कन चलाता है, हर दिल में वो बसता है, इसलिए किसी का बुरा मत करो, किसी का अमंगल मत करो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की,
किसी विवेकी की आंख ने पहचान की। तो जिसको तुम राम कहते हो, शिव कहते हो, भगवती कहते हो, गुरु कहते हो, ईश्वर कहते हो, परमेश्वर करते हो, सब जगह वो मौजूद है। आप किसी से मिलने जाते हो तो एक दूसरे का एड्रेस मांगते हो कि भाई आपका एड्रेस दो, विजिटिंग कार्ड दो। तो भगवान ने भी अर्जुन को अपना विजिटिंग कार्ड दिया जयराम जी की, उसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ है सारा, और उसको निमित्त बनाकर वो एड्रेस हमारे तक भी पहुंचा दिया है। उसमें लिखा है कि भगवान कहां रहता है, ये श्लोक कि ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया, यन्त्ररूढानि मायया। कि वह ईश्वर सर्वभूत मात्र के भीतर तिष्ठति, हृदय उस हृदय के अंदर बसता। जो इसको नहीं जानते वो जगत में भटकते हैं कि चलो जाते हैं बद्रीनाथ वहां मिलेगा, चलो गंगोत्री वहां मिलेगा, चलो केदार वहां मिलेगा, लेकिन वह परमात्मा तो अभी है, यही है, उसको कोई देश और काल उसको बाधित नहीं कर सकता। देश और काल जिसके आश्रित रहते हैं वो परमात्मा है, उसको देश और काल कहां बाधित करेगा। तो सत्संग से ये बात पता चलती है, समय कीमती है, जीवन कीमती है, और जीवन का हम मोल नहीं जानते कि ये जीवन कितना कीमती है। 84 लाख योनियों में मानव जीवन की दुर्लभता कही, क्योंकि इस मानव शरीर में जो बुद्धि है, योग्यता है, कर्म करने की क्षमता है, ऐसे अन्य शरीरों में नहीं है। तो ऐसे मानव शरीर को प्राप्त करके जो सिर्फ भोगों में रम रहा है कि खाने का मजा ले लिया, सुनने का मजा ले लिया, पहनने का मजा ले लिया, लेकिन इन संयोग जन्य भोगों में जो एक दिन नष्ट होने वाले, मिटने वाले, छूटने वाले हैं, उन भोगों को ही जो सार समझता है और जीवनदाता परमेश्वर का भजन नहीं करता, उसने मानव जीवन का दुरुपयोग कर दिया। उसको भागवत में कहा है कि ये तो भाई दो पैरों वाला गधा है, बिना पूंछ वाला और बिना सींग वाला। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। स एव गोखरह, गोखरह मतलब गधा। इसलिए मनुष्याणाम सहस्त्रेशु, कि हजारों लाखों मनुष्य हैं, कश्चित एतदि सिद्धये। मानव जीवन क्यों मिला? खाने पीने बाल बच्चे पैदा करके मर जाने के लिए मानव तन नहीं है भाई। बच्चे तो चिड़िया भी पैदा कर लेती और घोंसला भी बना लेती है, और कुत्ते भी ठंड से बचने के लिए जब कुतिया बच्चों को पैदा करने की स्थिति में होती है, उससे पहले पहले जमीन के अंदर अपना सुरक्षित ठंड से, पानी से, बरसात से बचने का स्थान वो कुत्ते बना लेते हैं, कुत्ता एंड फैमिली। और ये चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, बच्चे पैदा कर लेती है, और बाहर से दाना ले आती है और बच्चों के मुंह में दाना डाल देती है। मनुष्य कहता है कि अजी स्वामी जी, हमने तो BBA किया, MBA की तैयारी चल रही है, पूना से कर रहे हैं, हो जाएगा, फिर आपका आशीर्वाद होगा तो हमें 60-70 लाख का साल का पैकेज मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो भाई आपने परिवार बढ़ा लिया और गाड़ी भी बढ़िया ले ली और अपनी हवेली, मकान, बंगला बढ़िया बना दिया, अब पूछो कि क्या हाल चाल है? तो बोले साईं जी, आपका आशीर्वाद है, गाड़ी है
और वाड़ी है और लाडी भी आ गई, लीला लहर है, लेकिन कोई नोटिस आएगी तो वो मजा कहाँ जाएगा? शरीर बीमार हो जाएगा और स्वाइन फ्लू आ जाएगा तो मजा कहाँ जाएगा? और चिकन गुनिया और मंकी गुनिया हो जाएगा तो मजा कहाँ जाएगा? सिर दर्द हो जाता है, कभी मलेरिया हो जाता है, कभी ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो शरीर को कभी भी रोग ग्रस लेते हैं और मन में कभी भी चिंता और तनाव आ जाते हैं तो ये मनोरोग हो जाता है। तो किसी को तन का रोग, किसी को मन का रोग, समझो ये भी न हुए तो जन्म मरण का रोग तो सबके पीछे लगा हुआ है, जिसको कहते हैं भव रोग। तो इन तीनों रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी सत्संग की गंगा में नहाना जरूरी है, तब मानव जीवन का उद्देश्य सफल होगा। नहीं तो पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। अभी तो दो पैर वाली माँ मिली, क्या गारंटी दे सकते हो कि चार पैर वाली माँ नहीं मिलेगी? हैं? कभी उड़ने वाली माँ मिली, कभी रेंगने वाली माँ मिली, तो न जाने कैसी कैसी योनियों में ये जीवात्मा भटकता 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 फिर ये मानव शरीर में आया, पढ़ाई लिखाई करके और दो पैसा कमा के और फिर अपने को मानने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तो ये सत्ता जो पहले थी नहीं, धन तो पहले था नहीं, एक फुट बाय एक फुट का कपड़ा लिए बिना हम लोग ऐसे आए थे दिगंबर, और जाएंगे तो क्या लेके आएंगे? तो जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, आए थे तो कर्म लेकर आए थे, संस्कार लेकर आए थे, और जाएंगे तो यही संस्कार और कर्मों का खजाना लेकर जाएंगे। इसलिए कर्म बंधन और बढ़ाना नहीं है, शरीर मिला है तो शरीर से सेवा करनी है, मन भगवान ने दिया है तो मन से भगवान का भजन करना है, और बुद्धि भगवान ने दी है तो बुद्धि से ऐसे निर्णय करना है कि जो हमारा कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, देश का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। और इस बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान भरना है, सत्संग का विचार भरना है, तो बुद्धि का भी सदुपयोग हो जाएगा। तो जो चीज मिली है आज से संकल्प करें कि हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। समझो तुमको डॉक्टर हो तुम, तो अपनी डॉक्टरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी गरीब से अनाप शनाप पैसा नहीं लेंगे, उसकी निःशुल्क सेवा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आपका डॉक्टर होना सफल हो जाएगा। जो मरीज है उसको मरीज मत समझो, वो तो भाई भगवान का रूप है, उसकी तत्परता से सेवा करो, फिर जो आपको फीस लेनी हो लो, लेकिन आपके चित्त में उसके प्रति भाव होना चाहिए। और किसी की क्षमता नहीं है आपको उतनी फीस देने की, तो कभी कभी सेवा भी कर दिया करो, अपनी योग्यता का इसी में सदुपयोग है। अगर आप वकील हो तो झूठे केस मत लड़ो, सच्चाई पे रहो, और गरीब लोगों के केस और उनको न्याय मिले, आप अपने वकालत का सदुपयोग ऐसे कर सकते हो। अगर आप बिल्डर हो तो मकान ऐसे अच्छे बनाओ कि भूकंप आवे कि कुछ आवे उसमें दरारें न पड़े, उसकी तराई ठीक होनी चाहिए, जल्दी टूटने नहीं चाहिए, उसकी छत गिरनी नहीं चाहिए, ये अपने कर्तव्य का उपयोग। तो ये भगवान ने गीता में कहा कि केवल मंदिर में जाना और दिया करना, अगरबत्ती करना और आरती कर देना, यही मेरी पूजा नहीं है, अपने अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से पालन करना, ये भी मेरी ही पूजा समझो, यही मेरा आरती है, यही मेरी अगरबत्ती है, ऐसा समझना चाहिए। Thank you.